लास्ट वीक मैंने क्वेश्चन की थी कि हमें पास 45 माइनस 45 आंसर क्या आएगी, आंसर यहाँ मेरे पास जीरो आना चाहिए, लेकिन इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 45। तो ज़्यादा स्टूडेंट ने कहा तो यहाँ पे 45 से अगर 45 माइनस किया जाए तो ज़ीरो ही आंसर रहेगा, लेकिन मैंने कहा मैं ये चीज़ साबित करके दूंगा कि 45 माइनस 45 आ सकता है। किस तरह से, एक यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, इसी की मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया तो वहाँ पर फेसबुक सी सी आई अकेडमी फेसबुक पेज के ऊपर, ठीक है, आप लोग देखें। यहाँ पर मैं ऐसे एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, कुछ नंबर्स मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। 45 के मैं यहाँ पे एनालिसिस कर लेता हूँ, इसी नंबर को मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, इसकी पीसेस बना लेता हूँ। वैसे यहाँ पे 45 के मैं अभी एनालिसिस कर लेता हूँ, ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे क्या हो, इन सबको ऐड करते हैं, इन सबको सम कर लेते हैं तो 45 बनेगा। अगर यहाँ से मैं टाइप कर लूँ 1 2 3 हो जाएंगे, 3 टाइप करूँगा 6 10 15 21, यहाँ के 28 और 36, 9 टाइप करूँगा तो 45 आ जाएगा। अब इस तरह से इसी 45 के मैंने यहाँ पे पीसीज बना लिए, इसे ब्रेक डाउन करके एनालिसिस कर ली लाइनर सीरीज के थ्रू। अब इसी से इसको माइनस कर लेते हैं, 45 किसी और तरीके से मुमकिन नहीं है। ये जो यहाँ पे 45 आंसर आ रही है, इसका मेथड सिर्फ यही एक ही मेथड है। अब यहाँ पे बात होगी, इसको अगर मैंने अभी माइनस करनी है तो ये नंबर मेरे पास क्या आ रही है, लोअर आ रही है, 9 हायर में से आ रही है। अब ये से यहाँ पे माइनस नहीं कर सकता, तो ये क्या होगा, अपने नाइबर से, नाइबर से एक नंबर यहाँ पर बोरो करके ले आएगा, ये ऐसे एक नंबर यहाँ पर बोरो करके यहाँ पर ले आएगा। अब ये है कि यहाँ पर मेरे पास 3 या नंबर कम आ रही है और 7 मेरे पास हाइस्ट में से आ रही है, तो ये फिर क्या करेगा, अपने नाइबर से एक नंबर यहाँ पे बोरो कर लेगा, फिर यहाँ पे आपके पास नंबर यहाँ पे कम पड़ेगी, ये अपने 7 वाले से बोरो करके ले, देखिए यहाँ पे तो इक्वलिटी आ रही है, सेम नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे असल में 6 में से एक नंबर मैं यहाँ पे ले आता हूँ, नंबर 1 आएगी। अगर 1 को ऐड किया जाए तो यहाँ पे 6 आएगा, लेकिन वो 1 जो यहाँ पे वो रिप्रेजेंट होगा 10, 10 + 5 = 15, 15 में से एक नंबर यहाँ पे दे दे, बल्कि यहाँ से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ, 50 में से एक नंबर यहाँ पे दे दे। अब यहाँ से मेरे पास कहते 50 में एक नंबर मैंने यहाँ पे दे दी, अब यहाँ पे क्या रहेगी, 14, 14 में से 5 को माइनस किया जाए तो 9 यहाँ पे आएगी। यहाँ पे मेरे पास क्या है, 14, 14 में से एक यहाँ पे आ जाए तो ये मेरे पास बनेगी 13, यहाँ पर हमारे क्या क्या बचेगी, 13, 13 में से 6 को माइनस किया जाए तो 7, यहाँ पे 13, 13 में से एक नंबर यहाँ पे दिया जाए तो यहाँ पे 12 बनेगी मेरे पास, और यहाँ पे 12, तो 12 से 7 को माइनस कर यहाँ पे 5 रह जाएगी। अब यहाँ से 12 में से एक नंबर यहाँ पे अपने साथ वाले को दे दें तो ये आपके पास 11 हो जाएगी, यहाँ भी 11 आपके पास नंबर रहेगी, 11 से 8 को माइनस कर ले तो आपके पास 3, लास्ट 11 में से 9 को माइनस कर ले 2 बचेगा यहाँ पे। अब मैंने 45 यहाँ पे लिया है, तो 45 को लाने के लिए आपके पास यहाँ पे 6 क्या हुआ, 6 में से मैंने एक नंबर यहाँ पे 5 को दे दी, 5 एक नंबर यहाँ से बोरो करी तो ये कितनी बनी, 15, तो मैं वापस इसमें से यहाँ पे रह जाएगी मेरे पास 5 में से 4 को माइनस कर ले तो 1 रहेगी, 7 में से 3 को माइनस कर ले तो 4, 8 में से 2 को माइनस कर ले 6, 9 में से 1 को माइनस कर ले 8, तो अब मेरे पास यहाँ पे 45 - 45 = 45 साबित हुआ नहीं। ये चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला था, ये मेरे पास एक ट्रिकी क्वेश्चन थी। आप CCA एकेडमी यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे देखे, इससे चैनल और भी यहाँ पे मैंने टेक्निकल वीडियोस अपलोड किए, वैसे यहाँ पे ये चैनल जो है सिर्फ यहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज है, तमाम कोर्सेज यहाँ पर मैंने अपलोड किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अस्सलाम वालेकुम।